नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का सवाल है क्वेश्चन से इस एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर सवाल ये द कोलम्बिक फोर्स एफ बिटवीन द टू विल बी और हमें के की वैल्यू दे रखी है वन बाई फोर पर स्लॉट तो हमें बताना है उसके बीच में फोर्सेस uh, क्या होंगे कोलम्बिक फोर्स तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पात है ये आपका बीच में न्यूक्लियस uh, है और ये पता है हमें न्यूक्लियस में यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है जिसका चार्ज आप ई e लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे घूम रहा है इसका चार्ज ये तो आपका जो फोर्स होएगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एक के क्यू वन क्यू टू डिडेड बाय आर स्क्वायर होता है यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो इट विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय माइनस इसका चार्ज माइनस ई e आएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये तो हुई अपनी uh, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ना इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर माइनस आइन के साथ और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मैग्नीटूड आर कैप या अगर इसको वेक्टर में लिखें आर वेक्टर को तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा सो इट विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर माइनस आइन के साथ आर क्यूब और ये आर वेक्टर आ गया सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर